मैं कोटा बोल रहा हूं। मुझे राजस्थान के कानपुर के नाम से भी जाना जाता है। मेरा नाम प्रारंभिक शासक कोटिया भील के नाम पर पड़ा। मेरे किले की नींव बूंदी के हाड़ा राजवंश के पराक्रमी शासक राव दिवा के पुत्र राजकुमार जैत सिंह ने की, जिसने भील सरदार कोटिया भील को धोखे से मार दिया था। मैं शुरू में बूंदी राज्य का भाग था, मगर मुगल बादशाह शाहजहां ने 1631 ईस्वी में बूंदी रियासत से पृथक कर बूंदी के शासक राव रतन सिंह के पुत्र माधो सिंह को इसका शासन सौंप दिया। उसके बाद से ही मेरी रियासत एक स्वतंत्र रियासत बनी। मेरे पश्चिम में चित्तौड़गढ़ जिला एवं बूंदी जिला, दक्षिण में झालावाड़ एवं बारां जिला, उत्तर में सवाई माधोपुर एवं टोंक जिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार मेरी कुल जनसंख्या 19,51,014 थी, जो कि राजस्थान की कुल जनसंख्या का 2.85% है, जिसमें से पुरुषों की जनसंख्या 10,21,161 है, जबकि महिलाओं की जनसंख्या 9,29,853 है। 2011 की जनगणना के अनुसार मेरा साक्षरता अनुपात 76.6 था, जो राजस्थान में सर्वाधिक है। मुझमें प्रति वर्ग किलोमीटर में 374 लोग निवास करते हैं। मैं 5,217 वर्ग किलोमीटर में फैला हूँ। विंध्य पहाड़ियों की मुकुंदरा श्रेणी मुझमें स्थित है। मुझमें ही 12 मास बहने वाली नदी चंबल बहती है। मैं इसके किनारे पर बसा हुआ हूँ। इसका कुल अपवाह क्षेत्र 19,500 वर्ग किलोमीटर है। यह नदी राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमाओं को बनाते हुए चलती है, जो कि 252 किलोमीटर की है। मेरा संभाग राजस्थान का सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है। मेरा राजस्थान में विलय एकीकरण के दूसरे चरण में हुआ, तब इसकी राजधानी भी मुझे ही रखा गया था। कोटिया भील अकेलगढ़ नामक प्राचीन किले का शासक था तथा वही निवास करता था। उसी के नाम से मेरा नाम पड़ा। कोटिया भील अत्यंत पराक्रमी था। उसे युद्ध में हरा पाना असंभव था। तब जैत सिंह ने उसे अपने हाथ दावत पर बुलाकर खूब शराब का सेवन करवाया। जब कोटिया भील पूरी तरह से शराब के नशे में धुत हो गए, तब सालार गाजी और हाड़ा राजपूतों ने मिलकर उन पर हमला बोल दिया। कोटिया भील ने वीरता से उनका सामना किया और सालार गाजी को मार गिराया। तब जैत सिंह ने धोखे से कोटिया भील की गर्दन धड़ से अलग कर दी। गर्दन धड़ से अलग हो जाने के बाद भी कोटिया भील युद्ध करते रहे। तब उनकी कमर काट दी गई। इस तरह उनके शरीर के 3 हिस्से हो गए और उन्होंने अंतिम सांस ली। अब मैं मेरे अंदर लगने वाले कुछ मेलों का जिक्र करूंगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं शिवरात्रि मेले की। ये मेला मुझ में ही स्थित चार चोमा में फागुन सदी 13 को भरता है। उसके बाद बात करते हैं दशहरा मेला की। ये मेला मुझ में ही अश्विन शुक्ल दशमी को भरता है। अब बात करते हैं तेजाजी महाराज के मेले की। तेजाजी महाराज का मेला बूढ़ा दीत में तेजा दशमी को लगता है, जिसमें तेजाजी के भक्त एवं भोपे अपनी कलाकारियों से सभी का मन मोह लेते हैं। अब मैं आपको अपने कुछ मंदिरों से रूबरू करवाऊंगा। विभीषण मंदिर, जो कि कैथून में स्थित है, यह भारत का एकमात्र विभीषण मंदिर है। कसवा का शिव मंदिर, यह मंदिर 8वीं शताब्दी में निर्मित है। यहाँ पर सहस्त्र शिवलिंग है। ऐसा माना जाता है कि कण्व ऋषि का आश्रम भी यही हुआ करता था। गेपरनाथ शिवालय मेरे से 22 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में शिव को समर्पित गेपरनाथ मंदिर चंबल नदी के किनारे पर स्थित है। यह मंदिर 1559 ईस्वी में बनाया गया था। यह स्थान प्राचीन काल से शिव भक्तों का प्रमुख तीर्थ स्थल रहा है। यहाँ कुछ प्राचीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जो इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। गेपरनाथ में करीब 470 सीढ़ियां हैं, जहां करीब 350 मीटर की गहरी खाई है। अब बात करते हैं मथुराधीश मंदिर की। ये पाटन पोल के निकट स्थित मथुराधीश का यह मंदिर वल्लभाचार्य संप्रदाय के प्रमुख महाप्रभु की पीठिका है। भीमचौरी मंदिर, ये दर्रा मुकुंदरा के बीच स्थित गुप्तकालीन शिव मंदिर है। इस मंदिर को भीम का मंडप माना जाता है। चार चोमा का शिवालय, यह शिवालय मुझमें चार चोमा गांव में स्थित गुप्तकालीन शिव मंदिर है। बूढ़ा दीत का सूर्य मंदिर,
पंचायतन शैली में निर्मित यह सूर्य मंदिर दिगोद मुझ में स्थित है। त्रिकाल चौबीसी मंदिर मुझ में स्थित इस मंदिर में तीन कालों के 72 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं विराजमान है। यातायात पार्क यह राजस्थान का प्रथम यातायात पार्क है, जिसका निर्माण जुलाई 1922 में हाड़ोती यातायात प्रशिक्षण पार्क के रूप में किया गया था। छत्रबिलास उद्यान, इस उद्यान का निर्माण महाराजा छत्रसाल ने करवाया था। चंबल उद्यान, रावत भाटा मार्ग पर चंबल नदी के किनारे 1972 से 1976 की अवधि में चंबल उद्यान का निर्माण करवाया गया। इस उद्यान को चट्टानी भूमि पर विकसित किया गया है। अभेड़ा महल, ये महल मेरे अंदर की कोटा डाबी मार्ग पर चंबल नदी के किनारे पर बना है। यह राज्य सरकार के द्वारा पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। समाधि उद्यान, इसका निर्माण राव किशोर सिंह प्रथम के समय करवाया गया था। अकेलगढ़, यहाँ पर चंबल नदी के तट पर दुर्गों के खंडहर स्थित हैं। दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य, यह अभ्यारण्य मेरे एवं झालावाड़ जिले में स्थित है। इस अभ्यारण्य में राजस्थान का दूसरा ताजमहल यानी अबीली मिणी का महल मुझ में ही स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर गुप्तकालीन हुण का शिव मंदिर स्थित है। इस अभ्यारण्य में गागरोनी, हीरामन तोते, हिंदुओं का आकाश लोशन यानी मनुष्य की आवाज में बोलने वाला तोता, सारस तथा सर्वाधिक घड़ियाल पाए जाते हैं। इस अभ्यारण्य को राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान 9 जनवरी 2012 को घोषित किया गया था तथा राजस्थान का तीसरा टाइगर प्रोजेक्ट अभ्यारण्य 9 अप्रैल 2013 को घोषित किया गया। इस अभ्यारण्य के अंतर्गत 3 अभ्यारण्य आते हैं, दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य, जसवंत सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य, जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। यह अभ्यारण्य एक जलीय अभ्यारण्य है। यह अभ्यारण्य उत्तरी भारत का प्रथम सर्प उद्यान है। इस अभ्यारण्य में सर्वाधिक मगरमच्छ पाए जाते हैं। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य, यह अभ्यारण्य राजस्थान के करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर तथा मेरे में फैले हैं। इसे घड़ियालों का संसार भी कहा जाता है। यह एकमात्र जलीय अभ्यारण्य है जो अंतर्राज्य अभ्यारण्य राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में है। इस अभ्यारण्य में ऊदबिलाव, शिशुमार एवं गंगे सूप जैसे स्तनधारी जीव पाए जाते हैं। कोटा जंतुआलय, मुझ में ही मेरे नाम के जंतुआलय की स्थापना 1954 ईस्वी में की गई थी। यह राजस्थान का सबसे नवीन जंतुआलय है। देववन, यह मुझ में स्थित राजस्थान का सर्वाधिक जैव विविधता वाला वन है। मुफ्ती की मजार, देश की एकमात्र मुफ्ती की मजार विज्ञान नगर मुझ से कुछ ही किलोमीटर दूर स्थित है। अब आपको मेरे स्वयं के नाम पर मशहूर मेरे दुर्ग की नींव जैत सिंह ने चंबल नदी के किनारे पर रखी थी। मेरे दुर्ग के बारे में कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है कि आगरे के किले को छोड़कर किसी भी किले का परकोटा इतना बड़ा नहीं जितना कि कोटा गढ़ का है। मेरे दुर्ग में स्थित झाला हवेली के बारे में खंडेलवाल ने कहा कि यहाँ की भित्ति चित्र एशिया में अपने सानी नहीं रखते। मैं देश तथा राज्य में बिजली उत्पादन में अग्रणीय हूँ। मेरे अंदर ही कोटा सुपर थर्मल पावर संयंत्र की स्थापना 1978 ईस्वी में की गई थी। ये राजस्थान का दूसरा बड़ा बिजली घर व सुपर थर्मल पावर प्लांट है। यह संयंत्र कोयले पर आधारित है। इसकी क्षमता 1240 मेगावाट है। मेरे थर्मल पावर संयंत्र का प्रारंभ 1983 ईस्वी में राजस्थान के प्रथम कोयला प्रज्वलित पावर प्लांट के रूप में की गई थी। मेरे अंदर ही कोटा टेक्सटाइल स्थित है, जिसकी स्थापना 1956 में की गई थी। यह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है। मेरे श्रीराम नगर में स्थापित श्रीराम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कारखाना है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा खाद का उत्पादक कारखाना है। चंबल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मेरे अंदर ही गढ़ेपन गांव में गैस पर आधारित यह निजी क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा खाद का कारखाना है। इसका नाम चंबल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है। मुझ में ही स्थित राजस्थान का पहला खुला मुक्त विश्वविद्यालय है, जिसका नाम भगवान महावीर जी के नाम पर वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय रखा गया है। मेरे अंदर ही राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय स्थापित है। यह तकनीकी विश्वविद्यालय राजस्थान का प्रथम तकनीकी विश्वविद्यालय है।
चित्रकला की मेरे नाम की शैली को शिकार शैली भी कहा जाता है, क्योंकि इस शैली में युद्ध व रानियों के शिकार खेलते हुए दृश्य दर्शाए गए हैं। इस शैली का स्वर्ण काल महाराव राम सिंह के शासन काल को माना जाता है। इस शैली पर बल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा। नूर मोहम्मद मेरे नाम की शैली का प्रमुख चित्रकार था। मुझमें समाया हुआ जवार सागर बांध यह एक कागदी पिकअप बांध है। यह बांध चंबल नदी पर बना हुआ है। मेरे अंदर ही कोटा बैराज बांध स्थित है। इस बांध का सर्वाधिक कैचमेंट एरिया है। मुझमें सवाए हुए अन्य बांध सावन भादो बांध आलनिया बांध आदि बड़गांव की बावड़ी। इस बावड़ी का निर्माण कोटा के शासक शत्रुसाल की पटरानी जादोणा द्वारा किया गया था। कोटा डोरिया साड़ी जो कि मसूरिया साड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान की कोटा डोरिया साड़ी को उसके पंख जैसे हल्के वजन के लिए जाना जाता है। मेरे अंदर ही भदाणा माता, यह माता हाड़ा चौहानों की कुल देवी है। मुझमें 1857 का विद्रोह, यह विद्रोह 15 अक्टूबर 1857 को जयदयाल एवं मेहराब खान के नेतृत्व में किया गया था। राजस्थान का पहला झूलता हुआ पुल यानी हैंगिंग ब्रिज मुझमें ही है, जो 24 दिसंबर 2009 को टूट गया। राजस्थान का पहला यातायात प्रशिक्षण पार्क जुलाई 1992 में मुझमें स्थापित किया गया। राजस्थान में पहली बार 2007 में गणतंत्र दिवस समारोह जयपुर से बाहर मुझमें आयोजित किया गया। राजस्थान का दूसरा स्पाइस पार्क मुझमें स्थित है। देश में राजस्थान का पहला जैविक कृषक क्लब खेला रसूलपुर मुझमें ही स्थित है। राजस्थान का पहला एग्रो फूड पार्क रामपुर में स्थित है। राजस्थान का पहला टेली मेडिसिन वाला गांव कैथून मुझमें स्थित है। राजस्थान की पहली निजी क्षेत्र की कृषि मंडी कैथून मुझमें स्थित है। मैं राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जिला हूँ। मैं राजस्थान का सर्वाधिक नदियों वाला जिला हूँ। मैं राजस्थान का सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला हूँ। मैं राजस्थान का सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला हूँ। राजस्थान का प्रथम उर्दू कॉलेज मुझमें स्थापित है। ताकली सिंचाई परियोजना मुझमें स्थित है। धनिया मंडी रामगंज मंडी में मुझमें स्थित है। कोटा स्टोन मुझसे प्राप्त होता है। नाप तोल के यंत्र तथा स्ट्रॉप बोर्ड का कारखाना भी मुझमें स्थित है। श्री राम रेंस एंड टायर कार्ड मुझमें स्थापित है। श्री गोपाल इंडस्ट्रीज मिल्स मुझमें स्थित है। दशहरा महोत्सव अश्विन शुक्ल दशमी को मुझमें ही आयोजित होता है। झालाजी की हवेली एवं बड़े देवता की हवेली मुझमें है। 1857 की क्रांति के समय मेरे राजा महाराव राम सिंह द्वितीय पॉलिटिकल एजेंट मेजर बटन था। मेरे अंदर ही चंबल रिवर फ्रंट पर दुनिया की सबसे बड़ी घंटी का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण के साथ ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 3 रिकॉर्ड इसके नाम हो जाएंगे। चंबल रिवर फ्रंट पर इस घंटी की वास्तविक आकृति के फ्लैक्स का प्रदर्शन साइट पर किया गया है। राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा मेरे संभाग में होती है। मेरी मिट्टी पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा उपजाऊ है। मेरे अंदर लगभग सभी प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, जिनमें मुख्य गेहूं, कपास, जौ, चना, सोयाबीन, गन्ना और मक्का उगाई जाती है। आज के इस वीडियो में मैंने अपने बारे में जानकारी कवर करने की पूरी कोशिश की है। इसमें मेरा सामान्य परिचय, मेरे उपनाम, 2011 की जनगणना के अनुसार मेरी जनसंख्या, साक्षरता, घनत्व, लिंगानुपात, मेरा क्षेत्रफल, मेरी मानचित्र स्थिति, मेरे प्रमुख मंदिर, मेरे पर्यटन स्थल एवं इसके अलावा जितनी भी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी थी, उन सभी को शामिल किया गया है। इससे ज़्यादा जानकारी आपको तभी मिल पाएगी जब आप मुझे देखने आएंगे या मुझ तक पहुँचेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और हमें बताइए कि अगली वीडियो हमें किस शहर पर बनानी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।